वेलकम, दिस इज आरजे अंकुर। दोस्तों, आजकल कैरी मिलाती भी लाइक इन्फ्लुएंस का, फैंस का, कंटेंट का और स्कर्ट का सबका बदला लेगा रे तेरा कैरी। दोस्तों, दो बातें हैं। टिकटॉक इस देश की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। दूसरी, अब टिकटॉक क्राइम को भी प्रमोट करने लगा है। जो लोग इस बीमारी को साफ करने में लगे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। आमिर सिद्दीकी का भाई जो फैजल सिद्दीकी है, जिसने टिकटॉक पर वीडियो डाला था जो कि क्राइम को प्रमोट कर रहा था, अब टिकटॉक ने उसे भी डिलीट कर दिया है और साथ ही साथ फैजल सिद्दीकी का अकाउंट भी बैन कर दिया गया है। और ये खुशखबरी दी है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी ने। उन्होंने बताया कि फैजल सिद्दीकी का अकाउंट भी परमानेंट बैन कर दिया गया है और गवर्नमेंट भी अब इस प्रोसेस में लगी हुई है कि इंडिया में से टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। आपको बता दूं कि टिकटॉक की रेटिंग्स भी गिर चुकी हैं। 16 तारीख तक 4.5 स्टार थी, लेकिन आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आज 2.0 स्टार है। कितना फर्क आ गया है। और सबसे बड़ी बात, परेश रावल जो कि इंडियन एक्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बड़े बड़े शब्दों में लिखा है बैन टिकटॉक। जी हाँ, आप उनका ट्वीट देख सकते हैं। और माना जा रहा है कि टिकटॉक आने वाले कुछ हफ्तों में बैन हो सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। दिस इज आरजे अंकुर। जय हिंद।